सोमवार को भोमिया जी श्री नरसिंह बाबा मंदिर में हरियाली अमावस जन्मोत्सव मेला निरस्त नाहर सिंह बाबा जो पूजा स्थान अंबागढ़ में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमवार को हरियाली अमावस जन्मोत्सव का मेला जयपुर शहर बसावट के समय से ऐतिहासिक मेला चला आ रहा है। इस दिन हजारों की तादाद में भक्तगण भोमिया जी महाराज के दर्शन करने आते हैं। यह पुराने घाट का ऐतिहासिक मेला है। इस समय भारतवर्ष के सभी राज्यों में कोरोना महामारी का संकट चला आ रहा है। पूर्व में कई ऐतिहासिक मेले भी निरस्त हुए हैं, इसी को देखते हुए यह मेला भी निरस्त किया गया। 18 मार्च से लेकर आज तक ऐसी स्थिति रही कि यात्री आवागमन नहीं है। आज लाखों आदमियों का जो है यहाँ मेला लगता था, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। जो आप देख रहे हो स्वयं, एक यात्री नहीं है। पुलिस वाले सेवा में लगे हुए हैं कि पुलिस वाले सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। यानी मेरे यहाँ वो पोजीशन है कि कर्मचारियों को देने के लिए पेमेंट सुविधाएं भी नहीं है लॉकडाउन के पश्चात। 1 महीने का लॉकडाउन लगा, अभी 3 महीने का लॉकडाउन लग के ख़त्म भी नहीं हुआ। हाँ, कि नारसिंह जी बाबा की बर्थडे आई। हाँ, तो बर्थडे के अंदर आप ये बताइए कि नारसिंह जी ने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया था जयपुर को। हाँ, तो और आप नारसिंह जी के बारे में मुझे थोड़ी सा ये और बताएं कि नारसिंह जी यहाँ कैसे विराजमान हुए। नारसिंह बाबा जो है वो लोक देवताओं में आते हैं और जयपुर बसावट के टाइम पर जो पहले आमेर था, आमेर से जयपुर बसाया जयसिंह जी महाराज ने। तो जयपुर और आमेर दोनों को कंट्रोल करने के लिए सुदर्शनगढ़ पे पहाड़ी थी, नारगढ़ जिसका नाम है आज, वो पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से था और वहाँ विराजमान थे। तो दरबार जो बनाते निर्माण किले का तो डह जाता था, पहरे लगवा दिए। पहरेदारों से पूछा गया, पहरेदारों ने कहा महाराज फोड़ तोड़ो कौन दीखा, फोड़ तोड़ो दीखच। फिर ब्रह्मपुरी के अंदर सम्राट जी और रत्नाकर पुंडरीक जी दो ही पंडित ज्ञानी थे, ब्रह्मपुरी बसाई थी, ब्रह्मपुरी का नाम इसीलिए ब्रह्मपुरी रखा गया। उनके द्वारा अनुष्ठान किया गया, अनुष्ठान में भगवान नारसिंह बाबा प्रकट हुए। प्रकट होकर के उनको कहा भारत के समस्त जो भी भूमिया है वो विष्णु के शेषावतारों में गिनती आती है। उनको कहा, उनको स्थान बताया, घाट की गुणी में एक ही पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर हमें विराजमान करा दो और तेरे राजा को ये कह दो कि हमारे नाम से ये किला बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमारे नाम से ही रोड बनेगा, तो आज नारगढ़ रोड भी है और नारगढ़ किला भी है, कि नारगढ़ किला भी है। बाबा का जन्मदिन है, बताते हैं रामाता टाइम से नारसिंह बाबा का ये है। अब गाथा ही जो चली आ रही है उसी को गाया जा रहा है कि उसी को गाया जा रहा है। बाबा का जन्मदिन है, जो मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ गोलीचा गार्डन के बाहर मुर्गों की, तीतर की, भैंसों की, इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ज़बरदस्त झूले डलते थे, मेला भरता था। अभी भी हमारे यहाँ सेकंड ग्राउंड में झूला डलता था, काफ़ी रश रहता था सुबह 5 बजे से लेकर के और रात 1 बजे तक, कि 1 बजे तक। जयपुर वासियों को सबको पता है और जयपुर बसा जब से मारुगान की मान्यता चली आ रही है। जयपुर से भूपेंद्र सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।